किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल एचके फार्मर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप अपनी धान की फसल से प्रति एकड़ 30 से लेकर 35 क्विंटल तक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अपनी धान की फसल में ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें अच्छे किस्मों का चयन करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम लोग अच्छे किस्मों का चयन नहीं करेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो घट जाएगा। तो किसान भाइयों, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आपको हाइब्रिड किस्मों का चयन करना है। किसान भाइयों, अगर हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो आप सिजेंटा कंपनी की 4001 वैरायटी लगा सकते हैं। अगर 4001 वैरायटी की फसल की कटाई की बात करें तो 120 से लेकर 125 दिन में इसका फसल तैयार हो जाता है कटाई करने के लिए। किसान में अगर इसकी प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता की बात करें तो 28 से लेकर 30 क्विंटल तक इसका प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता है। साथ ही किसान भाइयों, आप VNR कंपनी का 22-33 वैरायटी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर 22-33 वैरायटी की फसल की तैयारी की कटाई की बात करें तो ये लगभग 120 से लेकर 125 दिन में ये भी तैयार हो जाता है कटाई करने के लिए। किसान भाइयों, अगर इसकी प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता की बात करें, इसका जो प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता है वो 30 क्विंटल से लेकर 32 क्विंटल तक है। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल रोपाई किए हुए 20 से 25 दिन की हो जाए, उस समय आपको अपने धान की फसल में एक बोरी यूरिया और उसी के साथ में आपको 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको यूरिया और जिंक दोनों को मिलाकर अपने धान के फसल में प्रयोग कर देना है। इससे देखेंगे कि आपकी जो धान की फसल है काफ़ी ज़्यादा हरा भरा रहेगा, और जो धान की जड़ों का विकास है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और इससे आपकी धान की फसल में ज़्यादा कल्ले आएंगे। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल में ज़्यादा कल्ले आएंगे तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल रोपाई किए हुए 40 से लेकर 45 दिन की हो जाए, उस समय आपको अपने धान की फसल में इफको कंपनी का सागरिका लेना है, जो लगभग 4 किलो का पैकेट आता है, और एक पैकेट की कीमत की अगर बात करें तो एक पैकेट का जो कीमत है वो 200 रुपये है, और आपको एक एकड़ धान के लिए 2 पैकेट की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, 400 रुपये खर्चा करके आप और भी ज़्यादा अपने धान की फसल में उत्पादन ले सकते हैं। आपको इसकी जो प्रयोग करने की समय है रोपाई के 40 से 45 दिन के बाद अपने धान की फसल में इसका प्रयोग करना है। इससे देखेंगे कि आपकी जो धान की रोग प्रतिरोधक क्षमता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और आपका जो खेत है हमेशा हरा भरा रहेगा, और जो धान की कल्लों की संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़वार करेगी। किसान भाई, इससे इस तरह से आप अपने धान की फसल में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।